हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के हिस्टोरिकल इवेंट सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब हिस्टोरिकल इवेंट्स में हम रोज़ रोज़ के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं और इसमें हमारी मदद करती हैं हमारी सुनीता दीदी बहुत ही अच्छी तरीके से। और दोस्तों, आज हम आपको 4 अक्टूबर के इतिहास से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की भाई, सुनीता दीदी की आवाज़ में आइए सुनते हैं 4 अक्टूबर में क्या कुछ हुआ खास, सिर्फ भारत में ही नहीं भारत दुनिया में भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेगमेंट। गुड मॉर्निंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सभी स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। तो आइए जानते हैं आज का इतिहास। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन राजनेता तो थे ही, साथ ही वे एक अच्छे कवि और वक्ता भी थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे भारत को दुनिया में एक अलग पहचान मिली। प्रधानमंत्री रहते हुए पोखरण परमाणु परीक्षण भी एक ऐसा ही कार्य था। 1977 4 अक्टूबर को यूएन की महासभा में उन्होंने 3 मिनट का हिंदी में भाषण दिया। उनके इस भाषण से प्रभावित होकर अनेक देशों के आए हुए प्रतिनिधियों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। उस दौरान मोरारजी देसाई की सरकार थी, वे उस समय विदेश मंत्री थे, तो उन्हें ये अवसर मिला था और हिंदी में भाषण देने का। और 43 साल पहले सुना गया राजभाषा, अपनी राजभाषा को पूरी दुनिया के सामने। 63 साल पहले सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में भेजा स्पुतनिक 1, यह कृत्रिम उपग्रह, जो कि 1957 में 4 अक्टूबर को सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था, और यह 83.5 किलोग्राम वजनी 92 दिन में 1400 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। स्पुतनिक का अर्थ रूसी में यात्री होता है। रूस आज भले ही अनेक देशों में विभाजित हो चुका है, किंतु आज भी वह इस उपलब्धि को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। इसी कारण COVID-19 जो वैक्सीन उन्होंने तैयार किया है उसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है, और बिना फेज 3 ट्रायल के ही जनता के लिए उपलब्ध कर दिया है। 1582 इटली, पोलैंड, पुर्तगाल तथा स्पेन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। पॉप ग्रेगरी के आदेश पर इन देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया। इसके मुताबिक इक्नोविस और सोस्टाइसिस घटनाओं से बचने के लिए ये ऐसा कैलेंडर तैयार किया, और 9 दिन, मतलब इस बात का भी ध्यान रखा कि 9 दिन के बाद हेमिस्फीयर स्प्रिंग इक्नोविसिस के आसपास ही ईस्टर सेलिब्रेट किया जा सके। तो एकदम से हुआ क्या कि कई दिनों को छोड़ दिया गया, एकदम से 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर की तारीख आ गई। आज भी अनेक देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही मान्य है। 1302 बैजेंटाइन साम्राज्य तथा वेनिस गणराज्य के बीच शांति समझौता हुआ। 1824 मेक्सिको रिपब्लिक बना। 1830
नीदरलैंड से बेल्जियम अलग होकर नया देश बना। 1943 अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर कब्जा किया। 1963 क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान फ्लोरा से 6,000 से अधिक लोगों की मौत। 2006 जूलियन असांजे ने खुफिया वेबसाइट विकिलीक्स की स्थापना की। 2011 अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट IS के प्रमुख अबू बकराल बगदादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया तथा साथ ही $1 करोड़ का इनाम रखा। 2012 माइकल शुमाकर ने संन्यास लिया। भेजे बटन।